अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, लगातार कॉलेजेस और स्कूलों की जानिब से पेरेंट्स पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है और हुकूमत की कोई पॉलिसी को वो नहीं मान रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि रुपये तो देना होगा वरना अपने बच्चों को ले जाएं, इस तरह से जुल्म किया जा रहा है। ये पुराने शहर में भी कई ऐसे स्कूलों में हो रहा है और टोली चौकी के एक जोसेफ डिग्री कॉलेज में भी ऐसा हो रहा है। यहीं के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। नाम बोल। मैं मुसफा है, मैं चीज़ रहन रख के ला के बन रहा हूँ पैसे। और दूसरी बात क्या है, बच्चे को कंप्यूटर का कुछ भी नहीं है, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, उन्होंने बोले कुछ पढ़ा ही नहीं हमारे को, क्या करना बोलो। और फीस नहीं बने तो एग्ज़ाम फीस नहीं लेते बोले तो भाग क्या चीज़ रहन रख के आके फीस बनते बोले तो नहीं पूरी बनो बोले तो फिर वापस चले आ रहा। अब कहाँ से लाना, फिर जाके करना कुछ तो। कितना पैसा बाकी है? 19,000 है। तो आप कुछ कम करो बोल रहे हैं? हाँ, कम करो बोल रहा हूँ। हाँ, वो कुछ भी सुन रहे नहीं। अकबर साहब भी कुछ ख्याल रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे भी, हाँ टाइम बढ़ाओ, कुछ भी करो, ज़रा ख्याल करो किधर से बनेंगे। असद साहब, हाँ खर्चे, कारोबार नहीं चल रहा, कुछ भी परेशान है, एग्जाम अगर देर से रुकने को नहीं। प्रेशर तो ज़्यादा, हाँ कॉलेज का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। अब आप पैसे कहाँ से लाए? मैं रहन रख के लाया हूँ चीज़। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सर, मेरा बड़ा लड़का सेंट जोसेफ कॉलेज डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बच्चे में एक रुपए की काबिलियत नहीं आई, जिसमें लोग प्रेशर डाल के ईयर का 30,000 फीस ले रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर की डेट आ गई बोल के जो फीस के लिए मुतालिबा कर रहे हैं लोग, प्रेशर डाल के मुतालिबा करें कि पैसे लाए तक सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस हम नहीं लेते, आप जो कर लेना कर लीजिए, आपके पास क्या पावर है आप बता लीजिए बोल रहे हैं। अब मैं बोला ये बात मैं इंशाल्लाह दारुसलाम तक पहुंचाऊंगा बोले तो दारुसलाम को पहुंचाइए, कहीं भी पहुंचाइए, कुछ नहीं होने वाला है। हमारे डायरेक्टर साहब आपसे नहीं मिलते और या कुछ भी मैनेजमेंट बोले तो डायरेक्टर साहब नहीं है बोल के बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब जो मैं फीस बनने आया, मैं सोना बेच के लेके आया पैसे बनने के लिए, मैं रिक्वेस्ट करा उनसे कि आधे पैसे अब बनता हूँ आधे पैसे बाद में बनता हूँ बोलते टाइम देने के लिए तैयार नहीं है और स्टाफ कोई ज़िम्मेदार नहीं है और एक लेडी प्रिंसिपल है। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करा, मैडम आधा पेमेंट मैं बन देता हूँ, आधा पेमेंट के लिए मेरे को टाइम दीजिए बोलते हो, ये कॉलेज मेरे बाप का नहीं है बोल रहे, ये इनकी नॉलेज, इनकी जो टॉकिंग पावर है, इन्हें लेडी रहने की वजह से पेरेंट्स के साथ ये सलूक हो रहा सर। और असद साहब और अकबर साहब और कौसर साहब आपसे अर्ज गुजारिश है कि ये बात आप ज़रा पहुँचाइए, यहाँ क्या कोई पेरेंट्स के और मेरे साथ कम से कम यहाँ पर 100-150 पेरेंट्स ठहरे हुए और स्टूडेंट्स भी है मेरे साथ बच्चों की, और वैसे भी पेरेंट्स के तबीयत ख़राब है, हालात ख़राब है, आप हर चीज़ से वाकिफ है, मगर दो पैसे का तवज्जो नहीं ले रहे, कुछ बोल रहे तो हमारा प्राइवेट कॉलेज है, हमारे यही रूल्स है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे साहब इन लोग। अब आप बताइए क्या करना है? अब ये इन लोग को कोई तरीके से बोल रहे हैं। अब मैं बोला कि भाई ये कानून में केसीआर साहब बोले कि कभी पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, बोलते जाओ गवर्नमेंट में जाओ बोल रहे हैं हम लोग को। बस आपसे गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को आप कहाँ पहुँचाना है पहुँचा के हमारे हेल्प कीजिए। अल्लाह हाफिज़।
वालेकुम, माय नेम इज़ नुमान खान, आई एम फ्रॉम संजय देव डिग्री कॉलेज। तो हम लोग एग्ज़ाम से पहले फिजिकल क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट करें तो ऑफलाइन क्लासेस के वास्ते रिक्वेस्ट करें। एग्ज़ाम्स का कुछ भी ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा तो रिक्वेस्ट करें, 15-20 बच्चों को ग्रुप के बुलाए। ऐसी एग्ज़ाम चल रहा था ऊपर, तो नीचे बच्चों को बुला के 2-3 घंटे वेट करो बोले। वेट करके ऊपर गए तो फिर प्रिंसिपल मैम, लीडरशिप नको करो आप लोग, चल जाओ बोल के फिर भिजा दिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले समझाओ बोले तो भी नहीं समझा रहे, खाली फीस के लिए टॉर्चर कर रहे बच्चों पे। नहीं तो फाइन रख देते आप लोग को, 300 फाइन है। एक दिन भी बढ़ गया तो 500 फाइन है। इससे पहले एक दो दिन बढ़ गया तो फर्स्ट सेम में भी फाइन लिए बच्चों से। मम्मी पापा को क्या प्रेशर डाल रहा है? तो वही इधर उधर से बच्चे पूरे करके लेके आ रहे फीस, थोड़ा टाइम भी नहीं दे रहे इन लोग। तो वही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। थैंक यू। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज टोली चौकी। मैं सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ और यहाँ का क्या है, मैनेजमेंट का स्टाफ का रिस्पॉन्स बहुत गलत है। पेरेंट्स आन दो, बच्चे आन दो, कोई भी आन दो, कॉलेज के बच्चे क्यों ना, उन लोगों का रिस्पॉन्स बहुत गलत है। ना कुछ बात नहीं करते, हमारे प्रिंसिपल मैडम से बात करें तो कुछ वो नहीं है इनको, मतलब कुछ बात करके फ़ायदा नहीं है। खाली रिक्वेस्टिंग ये क्या कर रहे हैं बस बोले तो, एग्ज़ाम फीस के साथ अब एग्ज़ाम फीस की डेट आई OU से, वो बनने आए तो कंपलसरी कॉलेज फी बनना है बोल के बोले ना, तो एग्ज़ाम फी नहीं लेते गए थे वो। इसके बाद से पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स से भी बात नहीं कर रहे, कुछ रेस्पेक्ट नहीं है। प्रिंसिपल उठ के चल जा रहे, नॉर्मल स्टाफ आके पेरेंट्स से बात कर रहा कि कुछ कॉलेज है नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े लोग आके बोल रहे नहीं, कॉलेज के मैनेजमेंट से बोल रहे डायरेक्ट डायरेक्टर से बात करो बोले तो नहीं, डायरेक्टर साहब बहुत बड़े हैं उनके पास नहीं जा सकती, बहुत फॉर्मेलिटी से जाना पड़ता बोल के बोल रहे। हमारे पेरेंट्स ऐसे वैसे दिख रहे, अब इला इन लोगों की होल दिखाए तो डायरेक्टर आना ही पड़ता। फिर कॉलेज में जाके रिक्वेस्ट करे तो कुछ भी नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं है। मैं प्रिंसिपल उठ के चले गए ऑफिस में से। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं चाह रहे, स्टडिंग का भी कुछ भी नहीं है। फर्स्ट सेम पूरा बच्चे रातों में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 घंटे आगे खड़े यहाँ पे कॉलेज के नीचे आके एग्जाम था, पूरे यहाँ पर 15 मेंबर से लेकर 20 मेंबर्स तक आए वहाँ पे आके खड़े, तो क्या 3 घंटे के बाद ऊपर गए रिक्वेस्ट करने के वास्ते। तो प्रिंसिपल मैडम क्या कह रहा था, चुटकी बजा के चलो दादा हेड नकोच बनो, वो बोल बजा दिए वहाँ से। कुछ भी नहीं है ना, एग्जाम्स का पढ़ा सेकंड सेम का तो कोई बच्चों को नहीं आता, हम लोग को फर्स्ट सेम का ही नहीं आता। रातों में बैठ के पढ़े, इधर उधर कर लेके इंपॉर्टेंट निकाल के करके। और सेकंड सेम का तो हर्फ भी नहीं मालूम, सब्जेक्ट आंक उनसे वो तक नहीं मालूम। और पढ़ाते बोल के बोरे, पेरेंट्स आके पुकारे करे तो पढ़ाते बोरे, पेरेंट्स को तक रिस्पॉन्स नहीं। फीस भरना है आप एग्जाम फीस, सेकंड सेम की एग्जाम फीस क्या है, थोड़ा टाइम मांग रहे बस। क्या है 30,000 टोटल फीस है, आधी बंदी है आधी के वास्ते थोड़ा बहुत टाइम मांग रहे, मतलब डेट एक्सटेंड करो थोड़ी बहुत बोले तो नहीं, नहीं तो एग्जाम फीस नहीं लेते वो, उसके बगैर वो बन नहीं सकते ऐसा बोल रहे। कहाँ जाते जॉब, किसको कंप्लेन करते कर लो बोल के बोल रहे। हमारे डायरेक्टर तो इतने बड़े हैं कहते हैं, मतलब उन्होंने आ भी नहीं सकते, उनके वास्ते बहुत फॉर्मेलिटी से कहते आने बात करने के वास्ते। KCR साहब से उन लोगों से रिक्वेस्ट है, KCR साहब ज़रा हमारे कॉलेजेस के वास्ते देखिए, असदुद्दीन साहब ज़रा हमारे कॉलेजेस के वास्ते देखिए, हमारी फीस के वास्ते टॉर्चर कर रहे। चलो टॉर्चर मतलब इन द सेंस, एक थोड़ा टाइम भी देते तो हम ना बंदे थे नहीं बन रहे बल्कि भी नहीं है, पूरी ऑलमोस्ट आधी क्लियर कर दिए, फाइन रख दे रहे, नहीं तो एग्ज़ाम फीस नहीं ले रहे, ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अपना निकालेगा सर। खाली पैसों पर तवज्जो दे रहे, क्लासेस तो कुछ नहीं आता, बच्चे हमारे दोस्त यहाँ पे खड़े हुए, आप पूछ सकते दोस्तों से किसी को कुछ आता का सेकेंड सेम का। कॉलेज में पढ़ता हूँ डिग्री फर्स्ट ईयर BCOM जनरल्स का हूँ मैं। क्लासेस तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के, ऑनलाइन क्लासेस हुए वो भी थोड़े बहुत हुए, साल में खाली एक महीना क्लासेस हुए, सेकंड सेम आ गया हम लोगों का, कुछ भी नहीं हुए, खाली फीसा ले रहे हैं लगा फीस, अभी एक्स्ट्रा फीस डाल रहे समझो। अभी एग्ज़ाम फीस तो डेट आ गई उसकी, ये महीना ख़त्म होने बाद बन सकते हैं, लेकिन लगा एग्ज़ाम फीस एक्स्ट्रा ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। और क्या बोलते सो कॉलेज फीस भी ज़्यादा ले रहे, कॉलेज फीस के साथ एग्ज़ाम फीस बनना।